हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। गाइस, जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोग अनुवांशिक विकार के बारे में पढ़ लिए थे, अनुवांशिक विकार वह विकार होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक संतति से दूसरे संतति में चलते रहते हैं, उसे हम लोग अनुवांशिक विकार कहते हैं। फिर गाइस, हम लोग अनुवांशिक विकार के प्रकार के बारे में पढ़े थे। अनुवांशिक विकार दो प्रकार का होता है, एक होता है मेंडेलियन विकार और एक होता है गुणसूत्री विकार। मेंडेलियन विकार दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोसोमल और एक होता है एक्स लिंक सहलग बीमारी। गाइज, इन सब के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में अध्ययन कर लिए थे। गाइज, जो आज हम लोगों का टॉपिक है वह है बंधता। गाइज, बंधता होता क्या है? बंधता जो दंपति का वह लक्षण होता है जिसमें वे संतति को उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, उसे हम लोग बंधता कहते हैं। बंधता नर में भी हो सकता है, मादा में भी हो सकता है। गाइज, एक बार फिर से, बंधता दंपति का वह लक्षण होता है जिसमें वे संतति उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। अब दंपति का मतलब हो गया, जो दंपति हम बोले हैं, दंपति मतलब हो गया नर व मादा। तो गाइस, बंधता वह स्थिति है या बंधता दंपति में वह प्रक्रिया है जिसमें दंपति शिशु का उत्पन्न नहीं कर सकते, उसे हम लोग बंधता कहते हैं। तो गाइस, यह जो बंधता होता है इसके निवारण के लिए दो प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। हम लोग बंधता, आइए पहले बंधता के बारे में लिख लेते हैं। बंधता दंपति में वह प्रक्रम है जिसमें दंपति संतति उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। संतति उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। गाइस, यह हुआ हम लोगों का बंधता का परिभाषा। तो गाइस, अब जो बंधता होता है, जिन नर व मादाओं में बंधता होता है, अब उसके निवारण के लिए उनमें क्या किया जाए कि उनमें जो संतति उत्पन्न हो। बंधता कई प्रकार से हो सकता है, जैसे जो मादा का अंडाणु होता है वह कम विकसित हो, या उसकी जो सक्रियता होती है वह कम हो, या जो नर का शुक्राणु हो उसकी सक्रियता कम हो। तो गाइस, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके निवारण के लिए जो हम लोगों का बंधता है, इसके निवारण के लिए बंधता के निवारण के लिए दो प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। गाइस, एक होता है आईवीएफ और यह भी होता है आईवीएफ। गाइस, जो IVF होता है या होता है इन गाइस जो हम लोगों का IVF होता है या होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। गाइस, जो हम लोगों का IVF होता है, इसका मतलब होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, मतलब वह निषेचन जो शरीर के अंदर हो। और जो IVF होता है इसे हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। गाइस, यह जो हम लोगों का IVF है, इसमें जो हम लोग प्रक्रम को अपनाते हैं,
चाहे वह मादा का अंडाण हो या नर का शुक्राणु हो, उसे हम लोग उनके गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं। यह प्रक्रिया जो होती है यह शरीर के अंदर होती है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। और जो यह है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यह शरीर के बाहर होता है। इसमें हम लोग नर का ओवम व मेल का शुक्राणु स्पर्म लेकर बाहर फर्टिलाइज की प्रक्रिया करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी में करते हैं, तो यह शरीर के बाहर होता है। तो गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। जो इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है GIFT, एक होता है GIFT और एक होता है AI। गाइस इसका फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर। और गाइस जो ए होता है इसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। गाइस यह हो गया हम लोगों का IVF। जो इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है गैमेट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो गाइस जो इसमें हम लोग करते हैं, जैसे आइए हम लोग मादा भाग को बनाकर समझते हैं। गाइस यह हो गया हम लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। तो गाइस जो यह होता है हम लोगों का गैमेट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर, गाइस जो यह मादा जनन तंत्र है इसमें यह है ओवरी अंडाशय तथा यहां से अंडाणु का विमोचन होता है। तो गाइस यह दो होते हैं, यह संख्या में दो होते हैं, यहां से अंडाणु का निषेचन होता है। गाइस अभी यह मैंने नहीं पढ़ाया है, अगले लेक्चर में हम आपको ये पढ़ा देंगे। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का अंडाशय और यहाँ पर होता है फैलोपियन ट्यूब। गाइस यह हम लोगों का फैलोपियन ट्यूब और यह है ओवरी अंडाशय जहाँ से ओवम रिलीज होते हैं, अंडाणु रिलीज होते हैं। तो गाइस जो हम लोगों का गैमेट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर है इसमें हम लोग यह देखेंगे, जैसे यह मादा का जो ओवरी है यहाँ से जो शुक्राणु जो अंडाणु होंगे यह या तो इनकी सक्रियता कम होगी या तो यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, तभी तो इनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो गाइस इस प्रक्रम में हम लोग देखेंगे अगर इनका शुक्राणु जो है जो इनका जिनमें पाए जाने वाला अंडाणु है ओवम है अगर उसकी सक्रियता कम होगी तो हम लोग मशीनों के द्वारा या किसी प्रकार के यंत्र के द्वारा इनके शुक्राणु को यहाँ फैलोपियन ट्यूब में लाकर रख देते हैं तथा इसकी जांच करते रहते हैं। जब गाइस यहाँ पर जो यहाँ से ओवम को किसी यंत्र के द्वारा यहाँ पर रखा गया है फैलोपियन ट्यूब में और इस पर विशेष निगरानी रखा जाता है कि यह जब विकसित हो जाता है तो यहाँ से गर्भाशय से होते हुए यहाँ पर शुक्राणु को लाकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण कराते हैं तथा जब निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाता है तब यहाँ पर जो जायगोट बनता है वो यहाँ पर आकर यहाँ की दीवारों से चपक जाता है, जो गर्भाशय की दीवार रहती है उससे चपक जाता है। गाइस इसमें जैसे अगर यहाँ पर जो अंडाणु है इसकी सक्रियता कम है तो हम लोग इसे यंत्र के द्वारा यहाँ फैलोपियन ट्यूब में लाकर रख देंगे और जब यह
देखते रहेंगे, जब यह परिपक्व हो जाएगा तो नर का शुक्राणु लाकर यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया कराएंगे। जब यह निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगा, जायगोट का निर्माण हो जाएगा, तब फिर यहाँ से आकर गर्भाशय में गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाता है। और गाइस एक प्रक्रिया और हो सकती है, अगर जो इनका ओवम है, जो इनका ओवम है, जो ओवरी से ओवम रिलीज होता है, जो अंडाणु रिलीज होता है, वह है एकदम उनकी सक्रियता एकदम खत्म हो या फिर वे बनते ही न हो, तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, किसी दूसरी मादा का हम लोग ओवम लेते हैं और यहाँ पर रिलीज करते हैं, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ही रिलीज करते हैं। फैलोपियन ट्यूब में रिलीज करने के बाद उसकी विशेष निगरानी करते हैं, फिर जब देखते हैं वह विकसित हो जाता है तो यहाँ से मेल गैमेट शुक्राणु लाकर यहाँ पर निषेचन की क्रिया को पूर्ण कराते हैं। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का गैमेट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर। अब गाइस हम लोग पढ़ेंगे इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। गाइस इसमें हम लोग कुछ लिख लेते हैं, इसमें अंडाणु पूर्ण रूप से सक्रिय न होते हुए भी निषेचन की प्रक्रिया कराते हैं। गाइस इसमें जो अंडाणु है या पूर्ण रूप से सक्रिय न होने पर भी इसमें निषेचन की प्रक्रिया कराते हैं। जब यहाँ से अंडाणु सक्रिय नहीं होगा, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, तब इसे यंत्र के द्वारा लाकर यहाँ पर रख देंगे। इसके पश्चात जब यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो यहाँ से मेल गैमेट लाकर निषेचन की क्रिया करा के फर्टिलाइजेशन की क्रिया करा के यहाँ पर युग्मक बनता है। युग्मक आकर यहाँ पर इसके गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाता है। और गाय जो अब हम लोगों का है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यह जो होता है यह मवेशियों में या पशुओं में किया जाता है। गाय जिसे हम लोग सीमेन बोलते हैं, गाय इसमें हम लोग है जो शुक्राणु होता है इसमें मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है, इसमें मेल गैमेट में होता है स्पर्म। गाय जो है इसमें मेल गैमेट हम लोग एक नली के द्वारा यह प्रक्रिया जो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या मवेशियों में किया जाता है या पशुओं में किया जाता है। इसमें हम लोग नली के द्वारा जो उनके गर्भाशय में शुक्राणुओं को रिलीज करते हैं जिसके द्वारा वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फिर फर्टिलाइजेशन के पश्चात वहाँ पर वह जो भ्रूण बनता है वह आकर गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाता है। गाय जो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम रूप से वह विधि है जिसमें हम लोग शुक्राणुओं को किसी पशु के गर्भाशय में डाल देते हैं। इसके पश्चात वहाँ पर संलयन की क्रिया पूर्ण होती है। गाय जिस नली के द्वारा डालते तथा जिस प्रक्रम से उसमें शुक्राणु को छोड़ते हैं उसे हम लोग सीमेन बोलते हैं। गाय जैसा हो गया हम लोगों का इन विवो फर्टिलाइजेशन, शरीर के अंदर वाली प्रक्रिया। जैसे इसमें होता है एक GIFT गैमेट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। अब गाय जो हम लोगों का अब दूसरा है वह है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब शरीर के बाहर। गाय जो दो प्रकार का होता है, गाइस यह दो प्रकार का होता है, एक होता है ZIFT, एक होता है IUT। ZIFT का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर। ग
गाइस इसमें होता है जाइगोट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर या होता है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर गाइस जो हम लोगों का इसमें दो प्रक्रिया होता है, एक होता है जेड आई एफ टी, एक होता है आई यू टी। जो जेड आई एफ टी होता है इसमें जाइगोट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर, और जो आई यू टी होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रायूटराइन ट्रांसफर। गाइस इसमें क्या होता है, जो जेड आई एफ टी होता है इसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी जो यह होता है, यह पहला तो इसमें मेन पॉइंट यह है कि यह प्रयोगशाला में होता है उचित निगरानी में, यह सब प्रयोगशाला में होता है। कृत्रिम रूप से जो प्रयोगशाला बनाया जाता है उसमें होता है, या प्रयोगशाला में होता है तथा विशेष निगरानी में होता है। गाय जिसमें क्या करते हैं, हम लोग एक ट्यूब लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। यह प्रक्रिया जो होती है यह टेस्ट ट्यूब बेबी में संपन्न होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी। गाइस इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों का जो नर का, जैसे मान लीजिए इसमें जो होता है जो फीमेल है या मेल है, मेल का जो शुक्राणु है वह कमजोर है या मादा का अंडाणु है वह कमजोर है जिसके कारण उनमें संतति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो गाइस हम लोग उसकी जांच करने के लिए हम लोग मादा के अंडाणु को लेते हैं, वह जो नर का शुक्राणु होता है उसे लेते हैं और एक ट्यूब एक टेस्टिव ट्यूब में उसे रखते हैं तथा देखते हैं, उनमें निषेचन की प्रक्रिया कराते हैं कि क्या इसमें जो इसमें प्रॉब्लम है वह नर के मेल गैमिट का है या मादा के फीमेल गैमिट का है। गाइस जब इसमें लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है तो उसमें निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, पूर्ण होने के पश्चात उसमें गैमिट का निर्माण होता है। गाइस जब इनमें हम लोग मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को लेंगे, जैसे गाइस मान लीजिए टेस्ट ट्यूब एक, इसमें हम लोग मेल गैमिट को लिए और फीमेल गैमिट को लिए, ये दोनों आए यहाँ पर फ्यूज किए तथा यह प्रयोगशाला में होता है विशेष निगरानी में, फ्यूज होने के पश्चात जाइगोट का निर्माण कर दिए। जाइगोट का निर्माण जब हुआ तो इनमें हम लोग देखेंगे जो इसका एम्ब्रियो सैक है, जो इसमें भ्रूण है, वह केवल अगर 8 ब्लास्टोसिस्ट जो इसमें भ्रूण है वह केवल 8 ब्लास्टोसिस्ट जब हम लोग देखेंगे जो इसमें भ्रूण है, अगर यह 8 ब्लास्टोसिस्ट कोशिका का निर्माण किया है तो इसे हम लोग मादा के फैलोपियन ट्यूब में लाकर ट्रांसफर कर देंगे। यह जो प्रक्रिया होता है जो हम लोग इसमें देखेंगे, अगर जो भ्रूण है वह 8 ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करेगा तो इसे हम लोग लाकर यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने के पश्चात यहाँ पर क्योंकि गैमिट पहले से ही बना है तो यहाँ पर कुछ देर रहने के पश्चात फिर आ जाकर यहाँ पर गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाएगा। और गाइस जो आईयूटी होता है इंट्रायूटराइन ट्रांसफर, गाइस इसमें भी सब प्रक्रम वही होता है, बस इसमें क्या होता है जो भ्रूण होता है वह 8 ब्लास्टोसिस्ट से ज्यादा होता है। गाइस इसमें जो होता है 8 ब्लास्टोसिस्ट से ज्यादा रहेगा। गाइस जो इसमें भ्रूण रहेगा, इसमें अगर भ्रूण है 8 ब्लास्टोसिस्ट है तो हम लोग जेड आई एफ टी जाइगोट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर इसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, और अगर ये 8 ब्लास्टोसिस्ट से ज़्यादा है तो इसे हम लोग डायरेक्ट लाकर यहाँ पर गर्भाशय में छोड़ देंगे तथा कुछ समय पश्चात या गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाएगा तथा फिर वृद्धि व विकास करके भ्रूण का निर्माण करेगा। भ्रूण तो बना ही है, वृद्धि व विकास करके शिशु का निर्माण करेगा। गाइस एक बार फिर से हम लोग इसमें यह प्रक्रिया प्रयोगशाला में विशेष निगरानी में होती है, वह इसमें जो प्रक्रम होता है इसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को बाहर एक ट्यूब में निषेचन की क्रिया कराते हैं जिसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इसके पश्चात इसमें हम लोग देखते रहते हैं कि अगर जो हम लोगों का भ्रूण है वह 8 ब्लास्टोसिस्ट कोशिका का निर्माण किया है तो इसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, अगर 8 ब्लास्टोसिस्ट से ज़्यादा है तो इसे हम लोग यूटराइन गर्भाशय में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा गाइस ऐसा क्यों है कि यह 8 ब्लास्टोसिस्ट से ज़्यादा है इसे हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते, इसे यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं इसे यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते, तो गाइस इसमें
यह है जो या आर्ट ब्लास्टोसिस्ट है या जो हम लोगों का फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर है यह बहुत पतला होता है, यह बहुत पतला होता है। जैसे गाइस आपके पास 5 इंच वाली पाइप हो, अगर आप 10 हाथ मोटर के पाइप से उसमें पानी भेजें तो पाइप फट जाएगा वह उसका बैलेंस नहीं संभाल पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो आर्ट ब्लास्टोसिस्ट होता है या फैलोपियन ट्यूब पतली होती है या सकरी होती है तो यह केवल आर्ट फैलोपियन जो आर्ट ब्लास्टोसिस्ट रहेगा केवल इसे यह झेल पाएगी। अगर आर्ट ब्लास्टोसिस्ट से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर लेके जाएंगे तो जो यह फैलोपियन ट्यूब है यह फट सकता है तथा इससे ढेर सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए गाइस हम लोग आर्ट ब्लास्टोसिस्ट रहेगा तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, आर्ट ब्लास्टोसिस्ट से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग इसे गर्भाशय में ट्रांसफ़र करेंगे। तो गाइस यह हो गया आज हम लोगों का पूरा बंधता इनफर्टिलिटी का प्रक्रम। जो हम लोगों का बंधता होता है, बंधता दंपति में वह प्रक्रम है जिसमें दंपति शिशु को उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं उसे हम लोग बंधता कहते हैं। बंधता के निवारण के लिए 2 प्रकार के विधियों का उपयोग किया जाता है, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में 2 प्रक्रम होता है, एक होता है GIFT, एक होता है AI। GIFT गैमेट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर, इसमें होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मादा का अंडाणु पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है तो हम लोग यहाँ से अंडाणु जो है वो हम लोग अंडाशय से लाकर यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में रख देते हैं तथा देखते रहते हैं। जब यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो यहाँ गर्भाशय से जो है शुक्राणु को लाकर यहाँ पर निषेचन की क्रिया को पूर्ण कराते हैं। और जो हम लोगों का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है या जो होता है या पशुओं में होता है या कृत्रिम रूप से बनाया जाने वाला प्रक्रिया है जिसे हम लोग सीमेन बोलते हैं, या जो इसमें जो होता है यह पशुओं के गर्भाशय में शुक्राणुओं को छोड़ा जाता है तथा शुक्राणु वहाँ पर जाकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। और गाय जो हम लोगों का होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यह शरीर के बाहर होता है, इसमें सबसे मेन होता है टेस्ट ट्यूब। इनमें हम लोग जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को बाहर टेस्ट ट्यूब में रखते हैं तथा इसमें जो माहौल होता है एकदम माता के गर्भाशय जैसा होता है, जो वातावरण माता के गर्भाशय में होता है वो यहाँ पर प्रयोगशाला में होता है। गाइस यह हो गया, इसमें होता है ZIFT, एक होता है IUT। ZIFT होता है जाइगोट इंटो फैलोपियन ट्रांसफर, एक होता है इंट्रायूटराइन ट्रांसफर। गाइस इसमें आर्ट ब्लास्टोसिस्ट से अगर कम रहेगा या आर्ट ब्लास्टोसिस्ट तक रहेगा तो इसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, और अगर आर्ट ब्लास्टोसिस्ट से ज़्यादा रहेगा तो इसे हम लोग यूटराइन गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे। तो गाइस आज का वीडियो बस यहीं तक, आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।